वीडियो पर व्यूज लाने का सबसे अच्छा तरीका होता है वीडियो को बूस्ट करना। जिसको वीडियो को बूस्ट करना नहीं आता उन्हें ये सीखना चाहिए कि वीडियो को बूस्ट कैसे किया जाता है। बूस्ट करने का मतलब ये होता है कि अगर आपकी वीडियो पर व्यूज़ नहीं आ रही हैं, बीच में आपकी वीडियो रुक गई है, तो उसको और बूस्टअप देना चाहिए जिससे आपकी वीडियो पर धीरे धीरे करके व्यूज़ आ सके। पर बूस्ट करना आपको कौन सिखाएगा? मैं। आज की वीडियो में मैं आपको मेरी फ्रेश वीडियो को बूस्ट करूंगा और आपको भी सिखाऊंगा कि वीडियो को बूस्ट कैसे किया जाता है। वीडियो को पूरा देखना अगर आप चाहते हो आपकी वीडियो पर भी व्यूज आए, धीरे धीरे करके व्यूज आए, और बूस्ट कैसे किया जाता है उसका पूरा लाइव डेमो आज मैं आपको देने वाला हूँ। वीडियो को पूरा देखना, और जो भी हमारे चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना और वीडियो को लाइक जरूर कर देना। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो आपको अपना YouTube चैनल लॉगिन कर लेना है। ये मैं अपना YouTube चैनल लॉगिन कर रहा हूँ। मैं दो टैब यहाँ पर ओपन करूँगा, ठीक है, क्योंकि दोनों टैब पर मैं काम करने वाला हूँ। एक टैब आप लोगों को समझाने के लिए और एक टैब पर मैं जो अपना पर्सनल काम करूँगा उसके लिए। यहाँ पर ये टैब खुलने के बाद आपको यहाँ पर कॉर्नर पर क्लिक करके यूट्यूब स्टूडियो में आ जाना है, ओके। और यहाँ पर भी आपको आ जाना है YouTube स्टूडियो में दोनों टैब पर। फिर उसके बाद यहाँ पर ये आपका चैनल का पूरा डैशबोर्ड खुल जाएगा और फिर आपको यहाँ वीडियो पर क्लिक करना है और यहाँ पर आपकी सारी की सारी वीडियो यहाँ पर आ जाएगी। ये देखो मेरा एक वीडियो है, ये 8 मिनट का वीडियो है, इसको मैंने अनलिस्टेड करके छोड़ दिया है क्योंकि मैं इस पर ही आपको पूरा का पूरा बूस्ट करने वाला सिस्टम सिखाने वाला हूँ। ये टैब पर हम लोग सब कुछ फाइंड करेंगे और ये टैब पर मैं काम करूंगा, ठीक है। तो यहाँ पर मैं वीडियो पर आ जाता हूँ और जो वीडियो मैंने अनलिस्टेड करके रखा है यहाँ पर पेंसिल के डॉट पर पहले मैं इस पर क्लिक करता हूँ और सबसे पहले यहाँ पर मैं एक थंबनेल अपडेट कर देता हूँ क्योंकि बाद में थंबनेल अपडेट नहीं होता है। ये वाला है, इसको मैं लेता हूँ और ये थंबनेल मेरा यहाँ देखो आ चुका है। अब मैं इसको क्या करूँगा, अनलिस्टेड में ही रहने दूंगा वीडियो को और सेव पर क्लिक कर दूंगा, जिससे क्या होगा ये मेरे वीडियो का यहाँ पर थंबनेल ऐड हो जाएगा। उसके बाद मैं पूरी की पूरी यहाँ पर सेटिंग करूंगा बूस्ट करने के लिए, ओके। ये देखो हमारा थंबनेल यहाँ हो चुका है रेडी। यहाँ पर एक बार और इस पेज को रिफ्रेश कर देता हूँ जिससे आपको थंबनेल भी यहाँ देखने को मिल जाएगा, ओके। देखो ये थंबनेल ऐड हो चुका है। अब हमको करना है मेन काम, यहाँ पर आपको अपने चैनल में फाइंड करना है कि आपका ऐसा कौन सा वीडियो है जो टॉप वीडियो जिस पर सबसे ज्यादा व्यूज हैं। तो मेरा एक वीडियो है आइडेंटिटी के ऊपर, एडसेंस आइडेंटिटी के ऊपर मैंने एक वीडियो बनाया था, उस पर मेरे सबसे ज्यादा व्यूज हैं। देखो स्क्रॉल करूंगा आप यहां पर देख सकते हो 45K इस पर व्यूज हैं। इस वीडियो के एनालिटिक्स में मैं जाऊंगा और मैंने ये वीडियो भी देखो इसी टॉपिक पर बनाया है। ये आइडेंटिटी वेरिफिकेशन का वीडियो है और ये टॉप देखो ये मैंने न्यू वीडियो आज ही बनाया और इसको मैं आपके सामने अपलोड करने वाला हूँ। फिर आपको यहाँ पर क्या देखना है, देखो सबसे ज़्यादा मुझे कहाँ से रीच मिली है, यूट्यूब सर्च से, ओके। उसके बाद मैं यहाँ रीच के ऑप्शन पर मैं क्लिक करूँगा और नीचे स्क्रॉल करूँगा और यहाँ पर मैं देखूँगा ट्राफिक सोर्स यूट्यूब सर्च से कौन से कीवर्ड पर हमारे वीडियो पर व्यूज आए हैं। तो यहाँ पर मैं सी मोर पर क्लिक करता हूँ और यहाँ पर आपको पूरा डेटा मिल जाएगा। यहाँ पर सिंस अपलोड लिखा है लाइफ टाइम, तो आपको लाइफ टाइम ही रहने देना है। फिर आपको नीचे स्क्रॉल करके यहाँ चेक करना है कि कौन से कीवर्ड पर आपके वीडियो पर व्यूज आए हैं, क्योंकि ये मेरा जो वीडियो है आइडेंटिटी वेरिफिकेशन के ऊपर और 45K व्यू पर वीडियो पर व्यूज हैं, तो सब लोगों ने ये कीवर्ड सर्च किए हैं। तो इसी कीवर्ड सारे कीवर्ड को देखते हुए मुझे अपने इस न्यू वीडियो के लिए रेडी करना है टाइटल, डिस्क्रिप्शन और टैग। कैसे करेंगे वो मैं आपको दिखाता हूँ जिससे आपका वीडियो बूस्ट हो पाए। आपको सबसे पहले प्राइमरी कीवर्ड फाइंड करना है। देखो इस पर कितना 803 व्यूज हैं और इस कीवर्ड पर कितना है हाउ टू वेरीफाई एडसेंस अकाउंट, इसको सबसे ज़्यादा लोग फाइंड करते हैं। तो इसको हम क्या करेंगे, यहाँ से सिंपल कॉपी करेंगे और ये वाले वीडियो में जाएंगे और यहाँ पर मैं क्या कर देता हूँ इसको पेस्ट कर देता हूँ। ध्यान से देखना जो मैं आपको समझाऊंगा, यहाँ पर जो हाउ लिखा है इसको मैं कैपिटल कर देता हूँ, ठीक है, और यहाँ पर मैं बीच में इसको डैश कर देता हूँ, ये मैं टाइटल लिख रहा हूँ। फिर मैं चलूँगा वापस और ये देखूंगा इस दूसरे कीवर्ड पर एडसेंस आइडेंटिटी वेरिफिकेशन लिखा हुआ है, इस पर
774 इस पर व्यूज हैं। तो इस कीवर्ड को भी मैं यहाँ पर कॉपी करूँगा और यहाँ पर मैं इसको रख दूंगा और इसको मैं मार दूंगा डैश। फिर मैं नीचे आऊँगा, फिर इस पर मैं देखूंगा, देखो इस पर 500 प्लस व्यूज हैं। तो इस कीवर्ड को भी मैं क्या करूँगा, कॉपी करूँगा और यहाँ पर आकर मैं इसको पेस्ट कर दूंगा। ये मैं क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि ये सारे जो कीवर्ड ना, ये मेरे चैनल के कीवर्ड हैं और इस वीडियो पर मुझे 45 के व्यूज मिले हैं। और इसी कीवर्ड पर अगर हम दूसरी बार वीडियो बनाएंगे तो आपका वीडियो कहीं ना कहीं वायरल हो सकता है, आपके वीडियो पर व्यूज आ जाएं। तो हमारा यहाँ देखो ये टाइटल रेडी हो गया, 99 मैंने यहाँ पर वर्ड का मैंने यहाँ लिख दिया। फिर इसको मैं कॉपी करके सिंपल यहाँ पर मैं पेस्ट कर दूंगा और नीचे डबल एंटर मारूंगा और यहाँ पर जो भी मेरे कीवर्ड हैं, जैसे कि ये वाले सारे कीवर्ड हैं, तो इन एक एक कीवर्ड को पहले मैं क्या करूंगा, यहाँ से कॉपी करूंगा और यहाँ पर मैं पहले लिख देता हूँ टॉपिक कवर, ओके। फिर एंटर मार के फर्स्ट कीवर्ड लिखूंगा और फिर सेकंड कीवर्ड को भी मैं ऐसे उठाऊंगा और ये वाला कीवर्ड भी यहाँ पर कॉपी पेस्ट कर दूंगा। तो ये सारे कीवर्ड मैं पहले यहाँ पर लिख लेता हूँ। यहाँ पर मैंने देखो सारे कीवर्ड लिख लिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 कीवर्ड मैंने यहाँ पर लिख लिया है। अब मैं एक और टैब लेता हूँ और यूट्यूब को ओपन करता हूँ। आपको ये ज़्यादा ज़रूरी है, ये कीवर्ड तो आपने डाले ही डाले हैं, आपको यूट्यूब से भी सर्च करना है। सर्च कैसे करोगे, यहाँ पर आपको सिंपल लिखना है एडसेंस आइडेंटिटी। ये मैं अपने लिए लिख रहा हूँ जो मेरा टॉपिक है। तो यहाँ पर देखो एडसेंस आइडेंटिटी वेरिफिकेशन पैन कार्ड आ गया, ओके। तो इस पर मैं फर्स्ट वाले कीवर्ड पर यहाँ क्लिक करूँगा और इस कीवर्ड को सिंपल यहाँ से कॉपी करूँगा और इस कीवर्ड को भी मैं डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगा, ठीक है। एक और बार मैं यहाँ पर देखो यहाँ पर लिखता हूँ हाउ टू गूगल एडसेंस, देखो आइडेंटिटी लिखता हूँ, देखो मैंने आईडीई लिखा तो यहाँ पर देखो मुझे कीवर्ड मिल गया, तो यहाँ पर आया हाउ टू वेरीफाई गूगल एडसेंस आइडेंटिटी। तो इस कीवर्ड को भी मैं यहाँ से ले लूँगा, कॉपी करूँगा और सिंपल यहाँ पर आकर, ये जो मैं मेथड आपको बता रहा हूँ ना, ये मेथड बहुत काम की मेथड है, अगर आप लोग सही तरीके से यूज़ करोगे तो आपको बहुत फ़ायदा होगा। अब मैं क्या करूँगा, इनके पीछे कॉमा लगा देता हूँ, ये मैंने कॉमा लगा दिए। अब इन कीवर्ड को मैं क्या करूँगा, सिंपल इसको कॉपी करूँगा सारों को और सी मोर पे जाकर और इन्हीं कीवर्ड को मैं कहाँ रख दूंगा, टैग सेक्शन में। देखो मैंने टैग सेक्शन में लिख दिया और यहाँ पर देखो हमको 500 वर्ड मिलते हैं, तो आप पूरे के पूरे 500 वर्ड का फ़ायदा उठा लो। तो वो आपको कहाँ मिलेंगे, यूट्यूब सर्च पे जाओ और यहाँ पर आपको अलग अलग तरीके से सर्च करना है। जैसे मैं सर्च करता हूँ हाउ टू, चलो एक कीवर्ड में लेता हूँ एडसेंस पिन लिखता हूँ, तो यहाँ पर देखो एडसेंस पिन वेरिफिकेशन प्रोसेस आ गया। तो इस कीवर्ड को भी मैं कॉपी करूँगा और यहाँ पर ले जाके इसको कर दूंगा यहाँ पर पेस्ट, ओके। एक और बार मैं लिखूँगा एडसेंस पिन वेरीफाई लिखूँगा, तो यहाँ पर देखो एडसेंस वेरीफाई विथआउट पिन आ गया। एडसेंस पिन वेरीफाई कैसे करें, तो ये वाला कीवर्ड भी मैं यहाँ से उठाऊंगा और इसको कर दूंगा यहाँ पर पेस्ट। ये मैंने 425 कीवर्ड लिख दिए। यहाँ पर आपको लास्ट में आपके अपने चैनल का नाम भी ऐड कर देना है, यहाँ पर मैंने कर दिया, देखो बस इतना बहुत है। फिर आपको कुछ नहीं करना है और नीचे आकर आपको अपनी वीडियो में डिटेल्स भी डालनी है ना, तो इसको मैं कॉपी यहाँ से डायरेक्ट कॉपी कर लूँगा, डिटेल्स में जाऊँगा और इसके डिस्क्रिप्शन में जो भी कुछ लिखा हुआ है मैं यहाँ से सिंपल उठा लूँगा, यहाँ से जितना कुछ भी लिखा हुआ है सब कुछ उठा लूँगा, ठीक है। और इसको करूँगा कॉपी और यहाँ पर आकर मैं एंटर मारकर पेस्ट कर दूँगा। ये हमारी डिस्क्रिप्शन भी रेडी हो गई। आप डिस्क्रिप्शन में, टैग में, टाइटल में,
कीवर्ड का यूज करो, जो मेन कीवर्ड है प्राइमरी कीवर्ड देखो, हाउ टू वेरीफाई एडसेंस अकाउंट, ये भी देखो हाउ टू वेरीफाई एडसेंस अकाउंट, टॉपिक कवर में भी हाउ टू वेरीफाई एडसेंस अकाउंट, ओके। उसके नीचे भी और भी मैंने बहुत सारे कीवर्ड यहाँ पर ऐड कर दिए हैं, उसी की मैंने डिस्क्रिप्शन कॉपी करके पेस्ट यहाँ पर कर दिए, देखो पूरी की पूरी यहाँ पर आ चुका है। अब आपको क्या करना है, यहाँ पर आकर इसको सेव कर दो सिंपल। इतना सेव होने के बाद फिर आपको मोनेटाइजेशन टैब पर जाना है नीचे, क्योंकि ऐड भी तो लगानी है, ऐड नहीं लगाओगे तो आपके वीडियो पर ऐड नहीं आएगा। यहाँ पर मोनेटाइजेशन देखो ऑफ है, तो इसको मैं ऑन करूँगा और नेक्स्ट पर क्लिक कर दूंगा और यहाँ पर लास्ट में आके सबमिट कर दूंगा, ओके। और यहाँ पर ये सारी ऐड को मैं ऑन कर लेता हूँ, ये मेरा वीडियो ठीक है। तो यहाँ पर मेरी देखो 8 मिनट का वीडियो है, तो मिड रोल भी मैं लगा सकता हूँ, तो मैनेज मिड रोल पर क्लिक करके यहाँ पर मैं 3 ऐड लगा सकता हूँ एक्स्ट्रा, मुझे लगानी है वो मैं ऐड यहाँ पर लगाकर कंटिन्यू करके और इसको मैं कर दूंगा सेव। और ये मेरा मोनेटाइजेशन यहाँ पर ऑटोमेटिक यहाँ पर ऑन हो जाएगा। अभी अब मैं आपको लाइव प्रूफ यहाँ पर दिखा देने वाला हूँ, क्योंकि मैं जो भी कर रहा हूँ आप लोगों के सामने लाइव डेमो ही कर रहा हूँ। देखो मेरी ऐड यहाँ पर लग चुकी है, इसको एक बार रिफ्रेश करके भी दिखा देता हूँ जिससे आपको विश्वास हो जाए, ओके। ये देखो हमारी ऐड भी यहाँ पर ऑन हो चुकी है। अब हम वापस चलेंगे डिटेल्स में और यहाँ पर आपको आकर थोड़ी और सेटिंग करनी है, आई कार्ड भी लगा देना है। यहाँ पर मैं लेता हूँ, यहाँ पर मैं आई कार्ड में 5 वीडियो ऐड करूँगा, यहाँ पर क्लिक करके प्लस के आइकन पर जाऊँगा, वीडियो पर क्लिक करूँगा और जो मैंने रिसेंट वीडियो अपलोड करके रखी हैं इनको मैं ऐड कर दूंगा। मैं यहाँ पर टोटल 5 वीडियो लगा दूंगा, आपको भी लगाना चाहिए। ये लगाने का फायदा ये रहता है कि आपकी वीडियो सजेशन में जाएंगी, आई कार्ड से आपकी वीडियो पर भी व्यूज आ सकते हैं, तो आपको ये लगा देनी चाहिए। 4 लगाओ, मैक्सिमम 5 लगा सकते हो, तो आपको यहाँ पर लगा देनी चाहिए। यहाँ पर देखो 4 ऐड हो गई, बस इसको मैं यहाँ पर सेव करता हूँ। ये सब कुछ मेरा रेडी हो गया, ये देखो थंबनेल भी मेरा आ गया, टाइटल भी लगा दिया, डिस्क्रिप्शन भी लगा दिया और यहाँ पर आकर मैंने ये टैग भी मैंने लगा दिए। अब मैं इसको क्या करूंगा, सिंपल ये अनलिस्टेड है, अनलिस्टेड से मैं पब्लिक पर क्लिक करके डन करूंगा और यहां पर आकर मैं सेव पर कर दूंगा क्लिक। ये मेरी वीडियो हो गई पब्लिश और आप लोगों के पास मेरी नोटिफिकेशन आ गई होगी और आप लोग मेरी वीडियो को देख रहे होंगे। फिर आपको एक लास्ट काम और करना है, आपकी जो मेन वीडियो है जिस पर सबसे ज्यादा व्यूज थे उसमें आकर आपको यहाँ पर आई कार्ड पर आना है और इस आई कार्ड के यहाँ पर आपको 4 या 13 या 5 सेकंड के बीच में आपको वही वाली वीडियो ऐड कर देनी है जिससे ये वीडियो पर व्यूज आ रही है। तो ये वीडियो भी अगर आपकी आई बटन में लग जाएगी तो यहाँ सर सब्सक्राइबर आकर आपकी न्यू वीडियो भी देखेंगे। तो यहाँ पर मैं इस वीडियो को क्या करता हूँ, ऐड कर देता हूँ। यहाँ पर मैं 4-5 वीडियो को मैं मेरी रिसेंटली जो वीडियो है सारी वीडियो को मैं यहाँ पर ऐड कर दूंगा जिससे सब लोग मेरी वीडियो को देख पाएंगे। ये मैं यहाँ पर सारी वीडियो को ऐड कर दिया, अब मैं सेव पर कर दूंगा क्लिक और आपको इस ओल्ड वाली वीडियो पर जिस पर ज़्यादा व्यूज़ हैं एंड स्क्रीन भी लगा देनी है क्योंकि आपको ही व्यूज़ मिलेगा। लास्ट में आके यहाँ पर आपको डॉट रख देना है और यहाँ पर प्लस के आइकन पर जाना है, वीडियो पर क्लिक करना है और नीचे स्क्रॉल करके चूज स्पेसिफिक वीडियो पर क्लिक करके और इस पर आपको कर देना है क्लिक और यहाँ पर कर देना है सेव। फिर आपकी वीडियो यहाँ से भी आपको व्यूज मिलेंगे क्योंकि ये वीडियो तो सब लोग देख रहे हैं, अभी सर्च में आ रही है, तो इसकी आई बटन में आप जब वीडियो लगाओगे तो वो वाली वीडियो आपने जो अपलोड की है यहाँ से भी आपको व्यूज मिलने लगेगा। जब सब काम खत्म हो जाए तो आपको एक लास्ट काम करना है, वो करना है आपको youtube.com सर्च करना है और आपके वीडियो का टाइटल क्या है, हाउ टू वेरीफाई एडसेंस अकाउंट, ओके। तो यहां पर आकर आपको सर्च करना है हाउ टू वेरीफाई एडसेंस अकाउंट, ठीक है। यहां पर मैं ये इस कीवर्ड को डाल देता हूं और मैं आपको दिखा देना चाहता हूं क्या मेरा वीडियो सर्च में आया कि नहीं आया। देखो सबसे पहले टेक्निकल योगी सर का वीडियो आ रहा है, फिर इसरार भाई का वीडियो आ रहा है और उसके नीचे 3rd नंबर पर 7 मिनट पहले मैंने वीडियो अपलोड किया है और मेरा वीडियो भी यहाँ सर्च लिस्ट में आ चुका है। और इसी तरीके से अगर मेरी मेथड को फॉलो करोगे, मेरा विश्वास मानो, आपको धीरे 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 आपकी वीडियो सर्च लिस्ट में जाएगी, लोग सर्च करेंगे उसी कीवर्ड को और उसी कीवर्ड से आपकी वीडियो पर व्यूज आएंगे और वायरल होने के चांसेस भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। दोस्तों आपने जो वीडियो देखी इस पर मैंने पूरा लाइव डेमो किया है, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी
हो तो एक वीडियो पर लाइक जरूर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कर देना। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक ले जय हिंद, वंदे मातरम।